पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि आप अपनी वोडाफोन जियो एयरटेल की सिम को कैसे बंद कर सकते हैं ऑनलाइन अपने फोन से, और काफी लोगों ने यहाँ पर औरों की भी सिम बंद कर दी या फिर गलती से उनकी सिम बंद हो गई किसी तरीके से, तो उस सिम को आप कैसे चालू कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर दो तरीके हैं जिन दो तरीकों से आप किसी की भी सिम को चालू कर सकते हैं या फिर अपनी भी सिम को चालू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप भी अपनी सिम को बंद करना चाहते हैं ऑनलाइन अपने फोन से या फिर किसी फ्रेंड या फिर किसी की भी सिम को बंद करना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके उस वीडियो को देख कर उससे की मदद से आप सिम भी बंद कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी सिम को कैसे चालू कर सकते हैं जो आपकी सिम बंद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। जी मैम, ये सिम डीएक्टिवेटेड से एक्टिवेट कर दीजिए। जी सर, किसके नाम से ये सिम है? पूजा देवी। जब आपने इस सिम ली थी तो कौन से डॉक्यूमेंट के लिए? उन डॉक्यूमेंट के लास्ट के 4 डिजिट बताइए। 7054। सर अपने फोन में अभी है ना सर आपके पास ये फोन है? जी है। अपने फोन में डायल कीजिए 4606 और कौन सा मुझे IMEI नंबर बताइए। क्या अपने फोन में डायल कीजिए सर। हाँ है सर, आपके पास के फोन में नहीं है। हैगा हैगा, 4 लिख दी। 4 तो सर ये बताइए मॉडल नेम बताइए फोन का नेम और मॉडल नेम। फोन कौन सा है? वो है सैमसंग। सैमसंग का फोन है। मॉडल वगैरह तो अब देख के बताना पड़ेगा। देख जाओ, देख लीजिए सर। हाँ ये मॉडल है ग्लासिक A03 सैमसंग। और ये भी बता दीजिए लास्ट के रिचार्ज कौन सी डेट को क्या था, कितने शाम से रिचार्ज कराओ कल? हाँ कल रिचार्ज केयर पाओ कराओ, केयर पाओ 240। अरे तो 39 होगा मैम, आपको नहीं पता है जियो में किसका रिचार्ज होगा अभी? हमें तो पूरी जानकारी होती है, पे आपकी शो होती है, बस आपसे कंफर्म करवाना पड़ता है ना सर। हाँ तो कंफर्म कर रहे हैं ना, वो 39 का होता है ना, 239 रुपये का। तो सर मैंने आपकी सिम को यहाँ से रिटेल करवा दिया है, अब आपकी जो इनकमिंग कॉल सेवा है वो यहाँ से रिटेल हो गई है सर। अब कितनी देर में ये चालू हो जाएगी पूरी तरह से, नेट वगैरह चल जाएगा? सर अभी चल जाएगा सर, मैंने कहा से रिटेल कर दिया आपसे सर। ठीक है। हाँ जी, बाकी सर मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट क्यों कर देती हो जी, बताइए। सर इस कॉल के बाद आपको सीरियस सर्वे का मैसेज आएगा जिसमें आपको लिंक के ऊपर क्लिक करके 4 से लेकर 16 तक की रेटिंग देनी है। यहाँ पे बेनिफिट की रेटिंग सबसे कम और एक्सीलेंट की रेटिंग सबसे ज्यादा है, ये फीडबैक हमारी जो बात हुई है उसके आधार पर रहेगा। तो प्लीज आप रेटिंग जरूर शेयर कीजिएगा जो हमें बेहतर रेटिंग करने में सहायता करेगा। ठीक है जी सर, जियो में कॉल।